सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा HDFC बैंक के डेबिट कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मेरे पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड आ चुका है जो कि यह है उसका बॉक्स। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, ये देख रहा है आपको इसकी आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मुझे कौन सा कार्ड मिला है, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या क्या उसके चार्जेस हैं। दोस्तों मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि जो कार्ड मुझे मिला है वो कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे जब भी मैं कोई और वीडियो इस टॉपिक पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारी अनबॉक्सिंग किट जो कि मुझे HDFC बैंक की तरफ से मिली है। इसके अंदर मेरा डेबिट कार्ड है जिसे मैं आपके सामने आज ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। इसे मैंने पहले ओपन कर लिया था क्योंकि दोस्तों ये मेरे पास कोरियर आया था तो मैंने चेक किया था इसमें क्या क्या है, इसलिए मैंने इसे पहले ओपन कर लिया था। लेकिन मैं आपको इसे दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इनके अंदर बैंक के बारे में लिखा हुआ है कि आप अपने अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हो वगैरह वगैरह। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप अपना डेबिट कार्ड नंबर और जो CC नंबर है किसी का शेयर ना करें, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों और भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना कोई इतना ज़रूरी नहीं है और इसमें कुछ नहीं है। इसके बारे में दोस्तों मैं भी आपको बाद में बताऊँगा कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जो कि इसमें दिया गया है। और दोस्तों देखिए ये हमारा डेबिट कार्ड जो कि हमें मिलेनिया कंपनी का मिलता है दोस्तों, जो कि एक अच्छा कंपनी है। इसके अंदर हमें दोस्तों काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये डेबिट कार्ड दोस्तों मुझे बैंक की तरफ से मिला है, ये मैंने अप्लाई नहीं किया। जब मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया था तो उसके बाद मैंने अपनी फुल KYC करा ली थी, तो उसके बाद दोस्तों ये मेरे जो कि मेरा एड्रेस है जो बैंक में सेव है उसी एड्रेस पर दोस्तों उन्होंने भेजा हुआ है, तो जिसके लिए मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था। पहली बार जो डेबिट कार्ड बैंक की तरफ से दोस्तों मिलता है वही डेबिट कार्ड ये जो कि मुझे मिलेनिया कंपनी का मिला हुआ है। इसका जो चार्ज है वो आपको मैं बताऊंगा। हर बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर ही उसके नंबर लिखे हुए होते हैं, लेकिन दोस्तों इस कार्ड के जो नंबर हैं वो इसके पीछे लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर रहता है इससे। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस कार्ड में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें मिल जाता है 5% का कैशबैक अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो पेज ऐप और स्मार्ट बाइक एप्लीकेशन पर, तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ऐप दोस्तों HDFC बैंक से लिंक्ड होती हैं। तो इसमें आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी एक रूल्स है कि ये कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आप 400 रुपये से ऊपर की शॉपिंग करोगे एक बार में। या दोस्तों आपको जो शॉपिंग करनी है वो 400 रुपये से ऊपर करनी है तब आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो किसी भी एप्लीकेशन पर तो आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। इसमें भी दोस्तों सेम वही रूल्स है कि आपको 400 रुपये से ऊपर शॉपिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो जैसे कि बाज़ार में कोई भी शॉपिंग करते हो अपने डेबिट कार्ड से इसी से, तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें कई और बेनिफिट हैं जैसे कि आप बिल पे करते हो, और दोस्तों इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी देखने को मिल जाता है जो कि इंश्योरेंस होता है दोस्तों, लेकिन इनको अप्लाई करने के दोस्तों काफ़ी कुछ करना पड़ता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि अगर मैं इनमें बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट ले सकते हो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इनमें काफ़ी सारे बेनिफिट ले सकते हो। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इस कार्ड के चार्जेस के बारे में कि इसका क्या चार्जेस है जो आपको लगेगा अगर आप इसे अप्लाई करोगे। तो दोस्तों अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो ये तभी अप्लाई होगा जब आपका डेबिट कार्ड पहले से इस कंपनी बैंक में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई तभी होता है
जब हमारे पास कोई पैलेस कार्ड होता है तो हम उसे रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, वैसे अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको 500 रुपये प्लस GST देना होगा, यानी कि 700 रुपये समथिंग जो आपको पड़ेगा अगर आप इसे पहली बार लेते हो तो। और अगर आपके पास पहले से यही कार्ड है और फिर से आप यही वाला अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा और ये कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपका HDFC बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आपको ये डेबिट कार्ड मिलेगा। बिना अकाउंट ओपन किए आपको ये डेबिट कार्ड नहीं मिल सकता। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको HDFC बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है ये। अगर आपको ये डेबिट कार्ड चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। इसकी जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं और इसके जो क्या क्या चार्जेस हैं दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इससे हमें क्या नुकसान है? इससे दोस्तों हमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। आप इससे नेशनल इंटरनेशनल कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, आप इसमें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी शॉपिंग कर सकते हो। इसकी जो लिमिट है दोस्तों, इस कार्ड की दोस्तों जो लिमिट है वो 50,000 रुपये पर डे की है, यानी कि आप 50,000 रुपये पर डे ATM से निकाल सकते हो। इसकी लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप शॉपिंग की बात करें दोस्तों, इससे आप 3.5 लाख की शॉपिंग कर सकते हो एक दिन के अंदर, जो कि हमें कोई और ब्रांच नहीं देती। तो दोस्तों, इसके अच्छे अच्छे बेनिफिट हैं। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि ये कार्ड कैसा है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।